बीजेपी ने आज 6 अप्रैल को अपना 43वां स्थापना दिवस बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया। 6 अप्रैल 1980 को अपनी स्थापना के बाद बीजेपी ने लंबा सफर तय किया। इसके साथ ही वो देश में सबसे ज्यादा सांसदों, विधायकों और पार्षदों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है। दरअसल बीजेपी की यात्रा को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय के विस्तार का उद्घाटन करने के बाद एड्रेस किया था। अजमेर MDS यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से थर्ड ईयर फिजिक्स और बॉटनी का पेपर परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ ही मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पेपर पहुंच गए। जब यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि परीक्षा से 10 से 15 मिनट पहले ही पेपर खोले जाते हैं, ऐसे में ये पेपर कहाँ से बाहर आया इसकी कोई जानकारी नहीं। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। MOG ने काफी समय से फरार चल रहे मास्टरमाइंड वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीना को दबोच लिया है। मीना पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जिसे SOG ने ओडिशा से हिरासत में लिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी का गहलोत सरकार पर हमला तेज हो गया। हाल में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालने वाले बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने भीलवाड़ा में सरकार को जमकर घेरा। राठौर ने इस दौरान विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उनका मानना है कि पिछली बार तो एक मिनी बस में बैठने लायक कांग्रेस के विधायक जीत गए थे, लेकिन इस बार राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन के चलते शायद एक फॉर्च्यूनर कार में बैठने लायक भी विधायक नहीं जीत पाएंगे। उदयपुर जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां जिला प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि अगले 2 महीने तक कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी धर्म से संबंधित झंडे प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं लगाए जा सकते। वहीं सरकारी भवन, इमारत या पार्क झंडे लगाए दिखे तो कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। राजस्थान में कांग्रेस खेमे में आपसी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला राजधानी जयपुर से सामने आया है, जहां किशनपाल विधानसभा से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। कागजी ने गहलोत के करीबी मंत्री शांति धारीवाल पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि धारीवाल जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री हैं, जिन्होंने विधायकों और निगम अधिकारियों के साथ एक बैठक भी नहीं ली। राजस्थान में विधानसभा चुनावों से महज 8 महीने पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत का राज्य दौरा होने जा रहा है, जहां भागवत 7 अप्रैल को जयपुर में RSS के सक्रिय संगठन राष्ट्रीय सेवा भारती के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि भागवत जयपुर के जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ के खेल स्टेडियम में सुबह 10 बजे राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सेवा संगम उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राजस्थान में 2 दिन बाद नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, इसके प्रभाव से एक बार फिर से बारिश के आसार हैं। इधर पश्चिम राजस्थान में इस सिस्टम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार देर रात जैसलमेर और आसपास के इलाकों में तेज आंधी का दौर चला। मौसम विभाग के अनुसार 8 अप्रैल से प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और आंधी का दौर शुरू होगा। राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना का असर देखा जा रहा है, जहां एक्टिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में अब एक्टिव केस 179 से बढ़कर 233 पर पहुंच गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जोधपुर और राजसमंद जिले में एक ही दिन में कोरोना का विस्फोट दिखा, और जहां बुधवार को एक दिन में सर्वाधिक 14 मामले राजसमंद और 11 नए मामले जोधपुर में मिले।